हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस को सोल्व करना है। नाउ फर्स्ट वन इज 2y + 5/2 इज इक्वल्स टू 37/2। नाउ आई सोल्व दिस क्वेश्चन, आई डू फॉलोइंग प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन इज 2y + 5/2 इक्वल 37/2। सो क्या करेंगे यहाँ पर, आपको डायरेक्ट स्टेप्स नहीं देना है, आपको डायरेक्ट अब सोल्व करना है। इन एक्सरसाइज 4.2 वी राइट सम स्टेप्स, सम एडिशन, सम सब्ट्रैक्शन, सम मल्टीप्लिकेशन एंड सम डिवीजन स्टेप। नाउ आई डायरेक्ट सोल्व दिस क्वेश्चन। सो आपको क्या करना है कि आपको LHS पार्ट में ओनली वेरिएबल फॉर्म रखना है। वेरिएबल फॉर्म इट मीन्स AX, Y, P, S, सम एस वाई पी एन एस वैल्यू, एंड RHS पार्ट में आपको सारी डिजिट्स वैल्यूज आपको प्लेस करनी है। सो नाउ वी फर्स्ट 2y = 37/2 एज इट इज। अब ये 5/2 पॉजिटिव है, तो ये अगर इधर RHS में मूव करेगा या ट्रांसपोज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंबल पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा आपका नेगेटिव में, एंड 5/2 एज इट इज। नाउ आई टेक 2y एज इट इज। आपको क्या करना है, इसके बाद ये स्टेप नोट करना है, देन दिस, देन दिस, देन दिस एंड देन दिस। ओके, सो नाउ वी टेक LCM। 2 और 2 का LCM कितना आएगा आपका, 2 आएगा। सो 37 - 5, सो 2y = 37 - 5 इज 32/2। सो 2 1 = 2, 2 1 = 2, 1 रिमेनिंग बचा 12 बना, 2 6 = 12, सो 2y = 16। सो y = what, 16/2। ये 2 अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, देखिए तो अगर अगर एडिशन में होगा तो सब्ट्रैक्शन में, RHS में मूव होगा तो सब्ट्रैक्शन में मूव होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो वो आपका कहाँ मूव हो जाएगा, डिवीजन में मूव हो जाएगा। सो y = क्या हो गया आपका, 16/2। सो 2 1 = 2 एंड 2 8 जा आपका 16। सो y = 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, नाउ b इज 5t + 28 = 10। सो वी रिमूव 12 + 28 इन RHS, सो वी गेट 5t = 10 माइनस, अब ये प्लस सिंबल था तो RHS में आएगा तो ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, एंड 28। सो 5t = 10 माइनस 28 कितना होगा, बिग वैल्यू आपकी नेगेटिव है, सो सिंबल इज नेगेटिव, एंड 10 - 28 - 18। ओके, नाउ 5 का ही में आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैंने बताया कि अगर ये RHS में आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। सो t = -15/5 इज योर आंसर। नाउ c इज a/5 + 3 = 2। ओके, सो क्या करेंगे, a/5 एज इट इज, 3 को अपन कहाँ शिफ्ट करेंगे, RHS में। सो पॉजिटिव सिंबल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव सिंबल में। नाउ a/5 इज 2 - 3 इज -1 बिकॉज बिग वैल्यू इज नेगेटिव। अब यहाँ पर a क्या है आपका, डिवीजन में है, देखिए कहाँ है आपका a, डिवीजन में है। सो ये डिवीजन में है तो RHS में अगर ये मूव होगा तो कहाँ मूव होगा, मल्टीप्लिकेशन में। ओके, सो a = -1 एज इट इज, देन ये 5 आपका डिवीजन से कहाँ चला गया आपका, मल्टीप्लिकेशन सिंबल में। ओके, सो a = -1 × 5 इज इक्वल्स टू -5, सो आंसर इज a = -5। नाउ d इज q/4 + 7 = 5। सो फर्स्ट वी रिमूव दिस 7 इन RHS विद ट्रांसफर, सो 5 - 7 बिकॉज प्लस था तो काई में कन्वर्ट हो गया आपका माइनस में, सो q/4 = -2। अब यहाँ पे 4 आपका किस में है, डिविजन में है, तो कहाँ कन्वर्ट होगा ये RHS में आकर, मल्टीप्लिकेशन में। सो q = -2 × 4, सो -2 × 4 इज q = 8। ओके, नाउ e इज 5/2x इज इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पर आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं है, डायरेक्ट आपका 5/2x = 10 है। सो ये आपका ये 2 कहाँ पर है, डिवीजन में है, तो RHS में शिफ्ट होगा तो कहाँ होगा, मल्टीप्लिकेशन में। इट मीन्स 5x इज इक्वल्स टू 10 × 2, सो 5x = 20 बिकॉज 10 × 20। अब ये 5 आपका कहाँ है, मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर ये RHS में शिफ्ट होगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में। सो x = 20/5, सो 5 1 = 5 एंड 5 4 = 20, सो x = 4 इज अवर आंसर। नाउ फिफ्थ f इज 5/2x इज इक्वल्स टू 25/4,
सो यहाँ पर देखिए टू आपका डिवीजन में है, तो अगर आधे चेस में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। सो 5x इक्वल 25 अपॉन 4 इंटू 2, सो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, सो 5x इज इक्वल टू 25 अपॉन 2। अब यहाँ पर ये 5 आपका मल्टीप्लिकेशन में है, सो ये अगर आधे चेस में इसको शिफ्ट करेंगे तो कहाँ होगा, डिवीजन के अंदर। सो x इक्वल 25 अपॉन 2 इंटू 5, सो 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, सो आंसर इज 5 अपॉन 2। ओके, नाउ h इज 6z प्लस 10 इक्वल माइनस 2, सो फर्स्ट वी रिमूव दिस प्लस 10 इन ट्रांसपोज इन RHS, सो 6z इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 10, बिकॉज प्लस था तो RHS में मूव होगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 10, सो 6z इक्वल माइनस 2 एंड माइनस 10 आपका क्या हो जाएगा प्लस होगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस बट सिंबल इज नेगेटिव, सो 6z इक्वल माइनस 12। अब यहाँ पर 6 आपका मल्टीप्लिकेशन में है, हियर 6 इज इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ z, सो इफ वी मूव इन RHS सो इट टर्न इन डिविजन सिंबल, सो z इक्वल माइनस 12 अपॉन 6, सो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, सो z इक्वल माइनस 2 इज अवर आंसर। नाउ j इज 2b अपॉन 3 माइनस 5 इक्वल 3, सो फर्स्ट इस माइनस 5 को अपन कहाँ शिफ्ट करेंगे RHS में, तो 2b अपॉन 3 इज इक्वल 3 एंड माइनस 5 अगर RHS में शिफ्ट होगा तो प्लस 5। ओके, सो 2b अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज 8। नाउ 3 इन डिवीजन, सो 3 अगर इसको RHS में शिफ्ट करेंगे तो कहाँ होगा मल्टीप्लिकेशन में, सो 2b इज इक्वल 8 इंटू 3 इज 2b इज इक्वल 24। अब यहाँ पर 2 आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में कन्वर्ट होगा, तो b इक्वल 24 अपॉन 2, सो b इक्वल 12। ओके, इज सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको इक्वेशंस को सोल्व करना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज a 2 ब्रैकेट x प्लस 4 इक्वल 12, सो फर्स्ट वी रिमूव दिस 2 यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो इफ वी ट्रांसपोज दिस 2 इन RHS सो इट गिव्स टू, ये आपको कहाँ चला जाएगा डिवाइड के अंदर चला जाएगा, सो x प्लस 4 इक्वल 12 अपॉन 2, सो x प्लस 4 इक्वल 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा कितना आपका 12, सो x प्लस 4 इक्वल 6। नाउ x इक्वल कितना हो जाएगा 6, तो पॉजिटिव है, अब इस 4 को अपन को RHS में शिफ्ट करना है, सो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 4 है, नाउ आई शिफ्टिंग इन RHS सो इट इज माइनस 4, सो x इक्वल 2 इज अवर आंसर। नाउ b इज 3 ब्रैकेट n माइनस 5 इक्वल 21, सो यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में है, सो ये अगर RHS में ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, सो n माइनस 5 इक्वल 21 अपॉन 3, सो n माइनस 5 इक्वल 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 27, सो n माइनस 5 इक्वल 7, सो n इक्वल 7 एंड माइनस 5 अगर RHS में शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 5, सो 7 प्लस 5 सो n इक्वल 12। नाउ c इज 3 ब्रैकेट n माइनस 5 इक्वल माइनस 21, सेम क्वेश्चन है b एंड c, बट यहाँ पर 21 पॉजिटिव था, हियर 21 इज पॉजिटिव एंड हियर 21 इज नेगेटिव, सो सॉल्यूशन इज n माइनस 5 इक्वल माइनस 21 अपॉन 3, सो n माइनस 5 इक्वल माइनस 7, सो n इक्वल माइनस 7 एंड माइनस 5 शिफ्टिंग RHS वी गेट प्लस 5, सो n इक्वल माइनस 7 प्लस 5 n इक्वल माइनस 2। नाउ d इज माइनस 4 ब्रैकेट 2 प्लस x इक्वल 8, सो फर्स्ट वी शिफ्टिंग माइनस 4, माइनस 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में RHS में आएगा तो कहाँ माइनस डिवाइड हो जाएगा, सो 2 प्लस x इक्वल 8 अपॉन माइनस 4, नाउ 2 प्लस x इक्वल 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, सो 2 प्लस x इक्वल माइनस 2 बिकॉज सिंबल इज माइनस, सो x इक्वल माइनस 2 ऑलरेडी है, ये प्लस 2 है RHS में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2, सो x इक्वल माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, सिमिलरली डू e। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, नाउ फर्स्ट इज 4 इक्वल 5 ब्रैकेट p माइनस 2, सो यहाँ पर आपको LHS में सिंगल वैल्यू गिवन है एंड RHS में आपको वैल्यू गिवन है, सो वी डू फॉलोइंग प्रीसीडिंग मेथड,
फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। सो फोर यहाँ पर आपका फाइव मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर एल एच एस में जाएगा तो कहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, डिवाइड में। सो फोर अपॉन फाइव इक्वल पी माइनस टू। नाउ फोर अपॉन फाइव, नाउ टू इज नेगेटिव, अगर इसको अपन एल एच एस में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। सो फोर अपॉन फाइव इक्वल प्लस टू इक्वल पी। नाउ वी टेक एल एच एस ऑफ फाइव एंड वन, सो एल एच एस इज फाइव। सो फोर इज एज इट इज एंड वन फाइव जा फाइव, सो टू का मल्टीप्लाई किस में होगा, फाइव के अंदर, इक्वल पी। सो टू प्लस टू फाइव जा टेन अपॉन फाइव इक्वल पी। सो फोर्टीन अपॉन फाइव इक्वल पी, और वी कैन राइट पी इक्वल फोर्टीन अपॉन फाइव। नाउ बी इज माइनस फोर इक्वल फाइव ब्रेकेट पी माइनस टू। सो फर्स्ट वी शिफ्टिंग दिस फाइव इन मल्टीप्लिकेशन में है, तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में। सो माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल पी माइनस टू। सो माइनस फोर अपॉन फाइव, अब माइनस टू है, अगर एल एच एस में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस टू। सो माइनस फोर अपॉन फाइव प्लस टू इक्वल पी। वी टेक एल सी एम ऑफ फाइव एन अपॉन वन, सो एल सी एम ऑफ वन एन फाइव इज फाइव। सो माइनस फोर प्लस टू इंटू फाइव इक्वल पी। सो माइनस फोर प्लस टू फाइव जा टेन अपॉन फाइव इक्वल पी। सो टेन माइनस फोर इज सिक्स अपॉन फाइव, और वी कैन राइट पी इक्वल सिक्स अपॉन फाइव। सिमिलरली डू सी, ओके, सी यू डू सेल्फ, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, डी इज फोर प्लस फाइव ब्रैकेट पी माइनस वन इक्वल थर्टी फोर, है ना। यहाँ पर सॉल्यूशन इज, नाउ वी फर्स्ट शिफ्ट दिस फोर इन आर एच एस। सो फोर इज पॉजिटिव, तो इसको अगर अपन आर एच एस में ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो फाइव पी ब्रेकेट पी माइनस वन इक्वल थर्टी फोर माइनस फोर। सो फाइव ब्रेकेट पी माइनस वन इक्वल थर्टी। सो पी माइनस वन इक्वल थर्टी। अब यहाँ फाइव आपका मल्टीप्लिकेशन में है, सो अगर इसको आर एच एस में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिविजन में। सो पी माइनस वन इक्वल सिक्स। सो पी इक्वल्स माइनस वन इज मूव इन आर एच एस। सो पी इक्वल सिक्स प्लस वन, सो P इक्वल सेवन। सिमिलरली डू ई। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्ट थ्री इक्वेशन स्टार्टिंग विथ एक्स इक्वल टू। आपको एक्स इक्वल टू से थ्री इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन इज वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सिक्स। एक्स इक्वल टू में अपन दोनों साइड क्या कर रहे हैं, सिक्स से। सपोज लेट वी किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Now हेयर आई मल्टीप्लाई बाई सिक्स। सो सिक्स एक्स इक्वल टू इंटू सिक्स। सो सिक्स एक्स इक्वल ट्वेल्व, दिस इज ऑल्सो ए इक्वेशन। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आपको थ्री इक्वेशन बनाना है। सो वन अपन ने बना दिए, सिक्स एक्स इक्वल ट्वेल्व। नाउ सेकेंड इक्वेशन, वी सब्ट्रैक्ट फोर फ्रॉम बोथ साइड। सो सिक्स एक्स माइनस फोर एंड ट्वेल्व माइनस फोर। सो सिक्स एक्स माइनस फोर इक्वल ट्वेल्व माइनस फोर इज एट। सो इट इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ थर्ड इक्वेशन इज डिवाइड बोथ साइड बाई सिक्स। इस इक्वेशन टू को अपन ने सिक्स से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। सो सिक्स एक्स अपॉन सिक्स, फोर माइनस फोर अपॉन सिक्स इक्वल एट अपॉन सिक्स। सो सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया आपका। सो एक्स माइनस फोर अपॉन सिक्स इक्वल एट अपॉन सिक्स, इट इज इक्वेशन थर्ड। सो आप अपने सपोज करके कोई किसी से भी मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन कर सकते हैं। आपको तो थ्री इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है, विद द स्टार्ट करना है आपको एक्स इक्वल टू से। इन सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर बी, कंस्ट्रक्ट थ्री इक्वेशन स्टार्ट विद एक्स इक्वल माइनस टू। सो यू डू योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।